हेलो दोस्तों, आज हम आपको इलास्टिक पैंट की कटिंग करके दिखाएंगे। बैक साइड में इलास्टिक होती है और आगे साइड में बेल्ट। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं नाप। 27 इंची है लंबाई, 24 इंची कमर, 25 इंची इसकी हिप है, 19 इंची थाई है और 12 इंची मोहरी है। इसी नाप के हिसाब से कटिंग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेते हैं। 24 इंची यहाँ पर कमर लिखनी है आपको। लंबाई के लिए 1 इंची इंच टेप ऊपर निकाल करके 27 इंची पर मार्क करेंगे और 3 इंची पर मोहरी में दबाव के लिए मार्क करना है आपको, मोहरी फोल्डिंग के लिए। और ये सीधा कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 इंची पर एक मार्क करना है किनारे की तरफ से। 12 इंची मोहरी है तो 12½, 6 इंची पर यहाँ मोहरी के लिए मार्क करना है। और दोस्तों 25 इंची है हिप, तो 25 का चौथा हिस्सा 1¼ इंची और 1¼ इंची यहाँ पर बढ़ाएंगे। 1¼ इंची बढ़ाकर आपको ये मार्क लगाना है आसन का। 19 इंची है थाई, 19½, 9½ इंची पर मार्क करेंगे। 1½ इंची पर अंदर की तरफ मार्क करना है और सीधी फंटी से इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे। यहाँ पर राउंड देंगे और दोस्तों 1/2 इंची यहाँ पर डाउन करना है आपको। यहाँ पर 4.5 इंच की पॉकेट रखेंगे। और दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर अपनी शेफर फंटी से आपको शेप देनी है। दोनों तरफ इस तरीके से शेप देंगे। दोस्तों इसको इस तरीके से आपको क्रॉसिंग कर देनी है मोहरी पर। डेढ़ इंची पर मार्क करेंगे फिलाई के लिए। चौबीस इंची कमर है यानी 6 × 24, यहाँ पर 6 इंची पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर देखिए 2½ इंची में यहाँ पर इसमें प्लेट डालेंगे दबाव निकाल करके। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। मार्क से ही कटिंग करनी है आपको। इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। यहाँ पर प्लेट का निशान लगाना है। इसमें हम यहाँ पर एक प्लेट डालेंगे और बाकी दोनों तरफ दबाव रखेंगे। इसमें से हमने यहाँ पर 2 इंच रखा है। आइए कर लेते हैं बैक फ्रंट की कटिंग। बैक फ्रंट के लिए यहाँ पर इस तरीके से कपड़ा आपको बिछा लेना है और सामने वाले पल्ले इस तरीके से यहाँ पर रखने हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 इंच यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ उठाना है और इसको यहाँ इस तरीके से सीधा कर देंगे। और यहाँ पर 2½ इंची यहाँ पर ऊपर की तरफ करेंगे जिसमें हम 1 इंची की दोस्तों इलास्टिक डालेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पर सीधा कर देना है।
सारे मार्क आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ा लेने हैं। यहाँ पर 1.5 इंची करेंगे, यहाँ पर भी 1.5 इंची, और दोस्तों यहाँ पर 2.5 इंची पर मार्क करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 इंची पर ये मार्क आपको लगाना है। इनको यहाँ पर शेपर फंटी से सीधा कर देंगे। यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों 24 इंची कमर है, 24 का चौथा हिस्सा 6 इंची पर मार्क करेंगे। यहाँ पर 1/2 इंची दबाव के लिए, और यहाँ 2 इंची यहाँ पर हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना है। और यहाँ पर देखिए इस नोक से यहाँ पर हम सीधी फंदी लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर इस प्रकार से राउंड देना है आपको। दोस्तों कर लेते हैं इसकी कटिंग। और आपको पैंट की कटिंग इस तरीके से कर लेनी है। तो इस तरीके से आपको इलास्टिक वाला पैंट, बैक शर्ट में इलास्टिक पैंट इस तरीके से कटिंग करनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और नए हैं चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें।